नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। शक्तिशाली एकता और संघर्ष के साथ ओमेक्स ग्रीन के निवासियों ने ओमेक्स लिमिटेड बिल्डर और फैसिलिटी प्लस रखरखाव एजेंसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। वे कई इमारती दोष और महत्वपूर्ण मेंटेनेंस, सिक्योरिटी आदि की कमियों का विरोध कर रहे थे। चिलचिलाती धूप के बीच महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी प्रदर्शन में सक्रिय रूप से शामिल हुए, जिससे मुद्दे की गंभीरता को और बढ़ाया गया। न्याय की मांग करने वाले प्लाइकार्ड्स और बैनरों से लिप्त होकर निवासियों ने ओमेक्स लिमिटेड और फैसिलिटी प्लस रखरखाव एजेंसी के खिलाफ जोरदार नारे लगाए। मौसम की स्थिति भी प्रदर्शनकारियों के उत्साह को तोड़ ना सकी। निवासियों का जज्बा उनके गुस्से और निराशा को व्यक्त कर रहा था। अधूरी परियोजनाओं और मौजूदा बुनियादी संरचना में कमियों ने निवासियों को परेशान किया हुआ है और वे चाहते थे कि ओमेक्स लिमिटेड और फैसिलिटी प्लस रखरखाव एजेंसी इसकी जिम्मेदारी उठाए। अम्बाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। कोई चारा नहीं बचा था। आप सबसे अनुरोध है कि आप यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं, आप लड़ाई के लिए हमारा साथ दें। हम इस कंपनी को झुका के ही मानेंगे, इनकी गुंडागर्दी को खत्म करके ही मानेंगे। साथियों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मेरा नाम परमजीत सिंह लांबा है। पिछले 4 साल से मैं RW बनने से पहले अपने इंडिविजुअल लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन हमने पिछले 2-3 साल से RW बनाने में पूरा सहयोग किया। आप लोगों ने बड़ा अच्छा हमारा साथ दिया और RW बन गई, रजिस्टर्ड हो गई। मेरा ये अनुभव है पिछले 4 साल का, ये बिल्डर अपना ब्यूरोक्रेट और सरकार का ये मिलीभुगत के बिना हो नहीं सकता। हम जहाँ जाते हैं बिल्डर 1 रुपये से जो चीज़ है वो 4 रुपये के खर्च कर देता है। हमारे पास, हम लेते हैं, हमारे पास कोई है नहीं। मैं भगवंत सरकार मान सरकार से अनुरोध करता हूँ कि पूरे नेक्सस का पर्दाफाश करें, क्योंकि आपकी सरकार इसलिए आई थी कि आप ईमानदार हैं। हम 8 आदमी खड़े हैं, हमारे रिटायरमेंट का पैसा लगा हुआ है, हमने अपने रिटायरमेंट का पैसा यहाँ लगाया हुआ है, हमारा कोई सुनता नहीं। जहाँ जाओ हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।